गुजरात के मोरबी में रविवार शाम हुए दर्दनाक हादसे में कई लोगों ने अपनों को खो दिया। ये लोग वहां पर रविवार की छुट्टी मनाने के लिए गए थे, लेकिन क्या पता था ये पल उनका आखिरी होगा। अब जांच होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुआवजा मिलेगा, मगर नहीं लौटेंगे तो सिर्फ वो लोग जिनकी जान चली गई। इस हादसे में गुजरात के एक सांसद ने अपने 12 रिश्तेदारों को खो दिया। वो सभी इस ब्रिज का लुफ्त लेने आए थे, मगर ब्रिज टूटने के बाद उनकी जान चली गई। आपको बता दें, मच्छू नदी पर हुए इस दिल दहला देने वाले हादसे में बीजेपी सांसद मोहन भाई कुंदरिया के भी 12 रिश्तेदारों की भी जान चली गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौके पर थल सेना, वायुसेना, नौसेना और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। आपको बता दें, बीजेपी सांसद मोहन भाई ने कहा कि इस हादसे में हमने मेरी बहन के जेठ यानी कि मेरे जीजा के भाई की 4 बेटियों, 3 जमाई और 5 बच्चों को खो दिया है। ये काफी दुखद है। हादसे में हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और घायलों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस समय ब्रिज टूटा उस समय वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। आपको बता दें, राजकोट से सांसद मोहन भाई ने कहा कि ये हादसा बेहद दुखद है, मैं कल शाम से यहीं पर हूं। 100 से ज्यादा लोगों की बॉडी मिल चुकी है। पुल खोलने की परमिशन ना लेने के मामले पर उन्होंने कहा कि यहाँ कई अधिकारी मौजूद हैं, जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मोहन भाई कुंदरिया ने कहा कि इस हादसे की सच्चाई 100% सामने आएगी, क्योंकि इस मामले में पीएम मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। रात भर वो फोन पर इसकी जानकारी लेते रहे। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि मोरबी में अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। कल शाम 6:30 बजे झूलता हुआ पुल टूट गया। रविवार को लोग यहां परिवार के साथ घूमने आए थे, तभी ये हादसा हो गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमें, एम्बुलेंस, प्रशासन, डॉक्टर की टीमें मौके पर पहुंच गईं। स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू में मदद की। इसके बाद घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आसपास का प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। पूरी रात रेस्क्यू अभियान चलाया गया और ये रेस्क्यू अभी भी जारी है। कैसे मृतकों के परिजनों को, घायलों को मदद पहुंचाई जाए, इसके लिए काम किया गया। जानकारी के मुताबिक रेनोवेशन के महज 4 से 5 दिन बाद ब्रिज के दोबारा खुलने के बाद ये भयावह हादसा होने पर प्रशासन सवालों के घेरे में है। एक अधिकारी ने कहा कि एक निजी फर्म को ब्रिज की मरम्मत का काम सौंपा गया था। 7 महीने के रिनोवेशन वर्क के बाद ब्रिज को आम जनता के लिए दोबारा खोल दिया गया, लेकिन नगर निगम की ओर से ब्रिज को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।